हेलो गाइस, आई एम मंजू शतीगी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें वीडियो एडिटिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है गाइस, ये मेरा 3D व्यू है। 3D व्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ अपना। यहाँ आते हैं हम गाइस सीधा अपने इस पार्ट पर, और यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास आ रहा है वीडियो सिक्वेंस एडिटर, वीडियो सिक्वेंस एडिटर किया गाइस। ठीक है, अब इस तरीके का आ रहा है, और मुझे यहाँ पर चाहिए आउटपुट का भी, जो कि मेरा वीडियो यहाँ पर दिखाई भी दे। तो मैंने क्लिक किया यहाँ गाइस, ठीक है, क्लिक किया और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं गाइस। अब मुझे यहाँ एक वीडियो अपलोड करना, वीडियो लेके आना है अपना। तो वीडियो लाने के लिए गाइस क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं ऐड में, और यहाँ जाने के बाद मूवी में जाते हैं। जहाँ मेरा वीडियो हो मैं वहाँ से इसको और अपने वीडियो के लिए और ले आता हूँ। ये मेरे पास आ गया गाइस, तो इसको ले लेते हैं हम अपने दो वीडियोज़ के। मेरे पास एक ही वीडियो है, इस वीडियोज़ को ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, ये वीडियो ले ली मैंने। अब मैं इस वीडियोज़ को थोड़ा कट कर लेता हूँ, क्योंकि इसका लोगो भी दिख रहा है मेरे लिए, इसलिए। ठीक है, अभी भी दिख रहा है मेरा लोगो इस वीडियो का। यहाँ से मैंने कट किया, ठीक है, एक्सक्यूज मी, इनको लो सेलेक्ट करो, डिलीट करो गाइस, इसको लो डिलीट करो गाइस, सेलेक्ट करो सबके साथ और जी प्रेस करो गाइस और मूव कर लो। ठीक है गाइस, यहाँ ले आए अपने सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अब गाइस क्या किया, मेरे ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम्स को मैं बढ़ा लेता हूँ। मेरे हैं फ्रेम यहाँ पर समथिंग, मेरे पास कितना बड़ा वीडियो है, ये बहुत बड़ा वीडियो है मेरा, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं चाहिए मेरे लिए, छोटा सा वीडियो ले लेता हूँ समथिंग। यहाँ पर मेरे हैं, मैं कर लेता हूँ 1200। ठीक है, 1200 मेरे आ गए, तो और मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ गाइस, 1200 किया मैंने। ठीक है, जहाँ तक मुझे वीडियो चाहिए मैंने 1200 तक वीडियो ले लिया अपना, और यहाँ पर क्लिक किया गाइस सीधा, और मैंने के प्रेस किया गाइस। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इनको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो गाइस। एक्चुअली गाइस, मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि ब्लेंडर के अंदर वीडियो कैसे करके, हम वीडियो की एडिटिंग किस तरीके से करते हैं, तो मैं उस अपने फ्रेंड के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, ये मेरे पास क्लिप आ गई गाइस। ठीक है, अब मुझे इसको बीच में से सब्ट्रैक करना है, ट्रिम करना है, इसे कहते हैं हम ट्रिम करना गाइस। यहाँ लो, यहाँ पर मेरे लिए आता है स्क्रिप्ट ऑप्शन, और यहाँ चलते हैं सीधा स्क्रिप्ट ऑप्शन पर। मेरे लिए मिलता है यहाँ, आपका सबसे नीचे मिलेगा ये है ऑप्शन मेरे लिए, सॉफ्ट 8 फ्रेम। ठीक है, मैंने क्लिक किया, यहाँ अपना ट्रिम किया और यहाँ लेके आया, के प्रेस किया शॉर्टकट। ठीक है, और एक यार यहाँ ले आता हूँ गाइस, यहाँ राइट क्लिक करके आ रहा हूँ गाइस, कहीं हम सोचो राइट क्लिक करूँ, लेफ्ट क्लिक से नहीं। ये आपका इनपुट और आउटपुट सेट करने का वर्क है जो आपको चाहिए, तो मैं भी बताऊँगा आप लोगों के लिए किस तरीके से करते हैं। सेलेक्ट करो इसे, सेलेक्ट करो इसे, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट यू करता हूँ एक बार, कंट्रोल ऑल्ट यू किया गया, ये मेरे पास इनपुट मिला है। यहाँ पर मैंने अभी लेफ्ट माउस बटन के लिए सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए लेफ्ट माउस बटन से मैं वर्क करूँगा। अगर मैंने राइट माउस किया तो जो मैं सर्कल है वो मैं फिर राइट माउस बटन से कम करूँगा। एक्चुअली मैं माया का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं लेफ्ट माउस से वर्क करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ये मेरे पास वीडियोज़ आ गए, अब मैंने सेलेक्ट किया इसके लिए, और इसके लिए जी प्रेस किया गया, और इस वीडियोज़ को मैं सीधा ऊपर लेके गया। ठीक है गाइस, ठीक है, गेट ले आया, ये मेरे पास यहाँ है, और इस वीडियोज़ को क्या किया मैंने, जी प्रेस किया और एक्स प्रेस किया और यहाँ ले आया। ठीक है, सेलेक्ट करो इसके लिए, जी प्रेस करो, एक्स प्रेस करो गाइस। ठीक है, यहाँ ले आया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, जी प्रेस किया और जेड प्रेस किया, ऊपर लेके गया मैं गाइस पहले, उसके बाद मैंने यहाँ ले आया। ठीक है, अब मैं गाइस देखता हूँ अपना वीडियो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो चेक करने के लिए। देखिए गाइस, सॉरी, अगर गाइस मैंने इसको लिया, अगर मैंने इस तरीके से वर्क किया तो मेरे लिए ऊपर जो है कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैं इसका जो है साउंड वो बंद कर लेता हूँ। तो साउंड को क्लोज करने के लिए एक ऑप्शन आता है हेड का एच। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ जाओ स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको यह है म्यूट, इसको यहाँ म्यूट कर लेते हैं गाइस, सेलेक्ट करो, एच प्रेस कर लेते हैं, मैं अपने कमांड फास्ट कर लेता हूँ, एच कर लिया गाइस, इसको सेलेक्ट किया, एच किया, इसको सेलेक्ट किया गाइस, एच किया। ठीक है, अब मैं प्ले करता हूँ, तो मेरा वीडियो तो चलेगा लेकिन मेरा ऑडियो नहीं चलेगा। ठीक है, क्या करते हैं गाइस, इसको यहीं पर मैं ऑफ कर लेता हूँ,
ठीक है। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको ला दें, यहाँ पर मुझे ट्रांजिशन देखना है, तो ट्रांजिशन देते हैं, सेलेक्ट करो इस वीडियो के लिए, ठीक है। और यहाँ आते हैं इफेक्ट के अंदर, और यहाँ मैं इफेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। नहीं लिया क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ वीडियो सेलेक्ट किया। एक्चुअली गाइस इसमें जो है ऑडियो सेलेक्ट करने पर ही ये ट्रांसलेशन देता है। यहाँ सेलेक्ट किया और मैंने अब दिया, तो ले लिया। देखिए गाइस मैं प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों के लिए किस तरीके से उसने दिया यहाँ इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपना वीडियो बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए गाइस, दोबारा फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, इसको मैं पॉज कर लेता हूँ एक बार और यहाँ लाता हूँ। ये देख रहे हैं गाइस, ये मेरा इफेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब इफेक्ट मैंने ये ले लिया, और इफेक्ट लेने के बाद मैंने प्ले किया फिर दोबारा, ठीक है। अब मुझे गाइस यहाँ देना है एक इफेक्ट, मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के सॉरी शिफ्ट ए किया, यहाँ आते हैं क्रॉस मैंने ले लिया, यहाँ सबट्रैक है मेरे पास, ऊपर है मल्टीप्लाई है, मैं यहाँ लेता हूँ ग्लो, ठीक है। मैंने यहाँ ग्लो ले लिया, इसको सेलेक्ट किया गाइस, और यहाँ मैंने क्या लिया आपका ड्राइव ले लेते हैं, ठीक है। तो प्ले किया, ठीक है गाइस, इस तरीके से मैंने अपना ये देखिए ग्लो दिया। अब गाइस मुझे अपने इसको एडिट करना है, तो मैंने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा ट्रांसलेशन है, मैंने इस पर क्लिक किया, अभी मुझे इसको एडिट करना है, तो मैं यहाँ एन पी एस कर लेता हूँ गाइस, तो मेरे लिए इसकी प्रॉपर्टी यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। मुझे इसकी प्रॉपर्टी से खेलना है थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी से थोड़ा सा खेल लेता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ख़त्म हो गया इफेक्ट, तो मैंने ज़ीरो किया, आ गया मेरे पास इफेक्ट, मैंने किया माइनस वन, नहीं लेगा वन से ले लिया उसने, मगर यहाँ फ्लिप करता हूँ तो कैसे ही फ्लिप ले लेगा, एक्स में किया तो एक्स ले लेगा। मैंने बैकग्राउंड को जो है बैकग्राउंड को लिया किसी को, तो को ये देखिए कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये देखिए चेंज हुआ हल्का से, देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे, यहाँ आते हैं गए अपने, देखिए यहाँ ग्लो है मेरा, अब मैं ग्लो को लेता हूँ थोड़ा सा इसकी जो है थ्रेशोल्ड को, देख रहे हैं, अगर थ्रेशोल्ड कम कर दूंगा तो वो कम कर देगा, यहाँ बढ़ाऊंगा तो बढ़ा देगा, ठीक है। ये बढ़ा लिया अपना गाइस, मल्टीप्लाई है मेरे पास, ये मैंने इस तरह से किया, तो ये देखिए इस तरीके का ग्लो हो गया मेरा पूरा की पूरा। थोड़ा कम कर लेते हैं ग्लो, ठीक है। अब आते हैं गाइस यहाँ, अभी आप गाइस देख रहे हैं ये स्टेट चल रहा है मेरा, ये देखिए मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरा जो है और आ रहा है इन आउट, अब इन सॉरी इन और आउट, तो यहाँ मेरे सिंगल आ रहा है मेरे पास, यहाँ मैं क्लॉक बाई क्लॉक चाहूँ तो क्लॉक बाई क्लॉक कर लेता कर सकता हूँ, ये देखिए, देखा ये फिल हो रहा है, ये देखिए, ठीक है गाइस। तो इन करना है तो इन में आ जाएगा, और आउट करना है तो आउट पे चलेगा, ठीक है। तो मैं प्ले यहाँ लाता हूँ दोबारा, और आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। आपको मुझे जैसे इन और आउट का मतलब होता है गाइस, मुझे लेफ्ट से राइट में घुमाना है या राइट से लेफ्ट में घुमाना है, अब मैं आउट करता हूँ, आप देखना आप लोग, ठीक है। अब वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में घूम रहा है, ठीक है। स्टार्ट किया अपने इसके लिए, और ये हो गया मेरा क्लियर गाइस। अब मुझे इसका आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट निकालने के लिए क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले सेटिंग करते हैं अपनी, ये मेरे पास सेटिंग आ रही है, मैंने एक हज़ार बीपी किया है, और आपका यहाँ पर आते हैं सीधा अपने गाइस, पीएनजी आ रहा है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एच, ठीक है। उसके बाद मैं आउटपुट अपना सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, ये मेरा डेस्कटॉप पर आउटपुट सेव कर लेता हूँ मैं, और नाम दे देता हूँ इसे बी टी ओ, ठीक है। तो मैंने वीडियो नाम दे दिया, और एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, और इसका मैंने रेंडर निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, एनिमेटेड रेंडर निकालना है मुझे, तो मैंने यहाँ से निकाल लेता हूँ, या फिर मैं गाइस यहाँ से निकालता हूँ रेंडर, ठीक है। तो यहाँ से रेंडर निकाल लिया मेरे पास जितने फ्रेम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली रेंडर निकाल देगा मेरा,
ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है मेरा, और मेरा रेंडर भी निकल रहा है गाइस। ठीक है, थोड़े के लिए वॉच कर लेता हूँ वीडियो। ओके गाइस, मेरा रेंडर डन हो गया। मैंने डेस्कटॉप पे अपनी फाइल सेव की है, मैं अपनी डेस्कटॉप पर फाइल दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने फाइल सेव की है, देखिए गाइस, एक्सक्यूज मी, ये देखिए, ये मेरा इफेक्ट आया है। यहाँ दूसरा इफेक्ट भी आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, एक ग्लो इफेक्ट ही आया मेरा गाइस। ये देखिए क्लॉक भाई मेरा ये आया। ठीक है गाइस, ये देखिए, ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, सो गाइस, हम वीडियो एडिटिंग इस तरीके से करते हैं इसके अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लाइक एंड कमेंट। सो